तो अभी मैं जो है मकतब के अंदर हूँ, ये देख सकते हैं आप, मकतब के अंदर हूँ। ये अंदर से वो देख लीजिए, उधर सामने आप लोगों को एक छोटा सा मकतब दिखाई दे रहा है, उधर उधर से ये देखिए मैंने फाइल बनवा ली है। सो फ्रेंड्स, हैश चौधरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। मेरा नाम अब्दुल कयूम है, आप देख रहे हैं हैश चौधरी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। ड्राइविंग लाइसेंस जो है सऊदी अरब के अंदर अगर फिनिश हो जाए तो उसको रिन्यू करवाने का क्या तरीका है, वो कैसे रिन्यू किया जाता है और उसकी फ़ीस कितनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो है मैं रिन्यू करवा के ले आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे ये रिन्यू किया जाता है और कितनी फ़ीस लगती है। और दोस्तों, जो कोई भी भाई पहले किसी और कफील के पास था, अभी वो नए वीज़े पे आया है, उसका अगर फिनिश हो गया तो उसका क्या तरीकाकार है, वीडियो में सब बात करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सऊदी के रिलेटेड है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। तो इसमें जो है दोस्तों क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपके अबशर अकाउंट से होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये रिन्यू जो होता है ये आपके ही अबशर अकाउंट से होता है, ये कफील के अबशर अकाउंट से नहीं होता है। सबसे पहले आप लोगों को अबशर अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बना लेना है। बहुत सारे भाइयों का बना होगा, जिनका नहीं बना हुआ है तो उनको बना लेना है। अगर कोई नया भाई आया है, मतलब पुराने कफील के पास से वो खुरूज चला गया था, किसी नए कफील के पास आया है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस फिनिश है, तो वो भी पहले अपना जो नया अकामा बना है उसके थ्रू वो अपना अबशर बनाए, अबशर के ज़रिए फिर ये जाके लाइसेंस बनता है। तो दोस्तों, इसमें करना क्या पड़ता है जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को मरूर में जाना है या तो कहीं और मकतब में भी जा सकते हैं आप। तो इसमें जाके आप लोगों को पहले अपना अबशर का जो आईडी है वो देना है, उसके थ्रू वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है मेडिकल जो आँखों का जो टेस्ट होता है वो भी करवाया जाता है, लेकिन आप लोग उधर फीस भरेंगे वो तो वो हो जाएगा मुश्किल। उनको मकतब में जाना है, जाके अपना फॉर्म जो है इसको ख़त्म होने से, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म होने से पहले आप लोगों को जाके इसका करवाना है, यानी एक दो दिन बचे हैं या 5 दिन हैं, 10 दिन हैं, महीने पहले भी आप करवा सकते हैं। अगर आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो गया है लाइसेंस, जैसे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो आपके ऊपर 100 रियाल का जो है ग्रामा आएगा, वो 100 रियाल का ग्रामा भरना पड़ेगा। तो इसमें जो नया कोई भी भाई आता है दूसरे किसी कफील के पास, वो आके रिन्यू करवाना चाहता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया। अबशर में जाके पहले अपना अकाउंट बना लेना है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो फीस जो है इसकी 5 साल की जो है, मैंने 5 साल का अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, आप लोग ये देख सकते हैं 5 साल का मैंने ये बनाया है, तो 5 साल की फ़ीस जो है 200 रियाल लगती है। और जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उधर से ऑनलाइन करवाने में, 40-50 रुपया जो है वो उधर ले लेते हैं, और मेडिकल का 100 रियाल भी वो उधर ही ले लेते हैं, मतलब टोटल कुल मिला के 350 रियाल खर्चा हो जाता है। तो 350 में 5 साल का ये बन के आ जाता है। अगर आप लोग 10 साल का बनवाना चाहते हैं तो 400 रियाल जो है फ़ीस आप लोगों को वो भरनी पड़ेगी, और जो मकतब वाले थोड़ा छोटा बहुत लेते हैं तो वो अलग से है। तो इसमें आप लोगों को मैं जैसे मरूर में गया था आप लोगों को वो भी मैं बताता हूं, और उसके बाद जो है मैंने दल्ले से जाके, ये जो मेरा भी था, मेरा ये लाइसेंस था पहले, मैं दूसरे कफील के पास था, अभी इस कफील के पास हूं, तो मेरा भी सेम वही है। इसमें जो है आप लोगों को जब मरूर में आप लोगों को पूरा फॉर्म भर के मरूर में भेजा जाएगा, उधर से आप लोगों को लाइसेंस अपना दिखा के प्रिंट निकालना है, उसी प्रिंट से वो जाके मरूर के अंदर जमा कर देना है। तो उधर से फिर जो है अपॉइंटमेंट लेनी है दल्ले की, जो ड्राइविंग स्कूल है दल्ला, उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। तो उधर जाके वो पूरा फॉर्म जो है आपके अपने पहले ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप लोगों को वो जाके पूरा जमा कर देना है, उधर से जो है आप लोगों का नया ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल, आप लोग अगर 5 साल का बनवाना चाहते हैं 10 साल का, वो निकल के आप लोगों के पास आ जाएगा। तो मैंने जो है जैसे जैसे किया है आप लोगों को वीडियो में मैं आगे जो है बता भी दूंगा, आप लोग देखते रहिए मैं कहां कहां गया था। ये जो देखिए, मैं मरूर में हूं, ट्रैफिक
डिपार्टमेंट में इधर मरूर में आया हुआ हूँ। तो इधर से मैंने जो है मकतब है, मकतब के अंदर से वो देख लीजिए, उधर सामने आप लोगों को एक छोटा सा मकतब दिखाई दे रहा, उधर उधर से ये देखिए मैंने फ़ाइल बनवा ली है। अभी मेरे रुखसे में 4 दिन बाकी थे, तो इसको अभी जो है फ़ाइल बनवा के मैंने और पैसा जो है पे कर दिया है 350 रियाल। तो अभी जो है मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके इसको देखता हूँ, जमा करवाता हूँ, क्या है आगे का प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताता हूँ इंशाल्लाह। तो अभी मैं जो है मकतब के अंदर हूँ, ये देख सकते हैं आप, मकतब के अंदर हूँ, ये फाइल मेरी बन के रेडी हो गई है। अभी जो है मेरे को एक खाली प्रिंट लेना है। तो अभी सलाह का टाइम हो गया है, नमाज हो रही है, तो नमाज के बाद जो है इंशाल्लाह फिर मैं इधर से प्रिंट लेगा, प्रिंट लेके फिर अपनी फ़ाइल को जमा करवाएगा, जमा करवा के फिर देखते हैं आज हो पाएगा कि कल होगा, फिर जैसा होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, दिखाएगा मैं इंशाल्लाह जो है पूरा प्रोसीजर। जब मेरे पास नया रिन्यू होके आ जाएगा अपना रुख्सा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। कोई भी भाई आता है उसको अगर फाइल उसका रुख्सा फिनिश हो गया है और रिन्यू करवाना चाहता है तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है। ये मेरी फाइल पूरी बन के रेडी है, इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को बताएगा। तो फाइनली जो है ऐसे आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दें और वीडियो को शेयर भी कर दें दूसरे भाइयों तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।